क्या जो बाइडेन अमरीकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट जाएंगे? खबरें तो बता रही है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते के आखिर तक एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले सकते हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें और आशंकाएं ही हैं। इस बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। बीते दिनों खुद बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हट जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मंगलवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर्स ने उनके स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या पाई तो वो राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट सकते हैं। आपको ये ध्यान दिला दें कि जो बाइडेन अब 81 बरस के हो गए हैं और फिलहाल कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेशन में हैं और आइसोलेशन में रहकर ही रेस्ट भी कर रहे हैं और अपना कामकाज भी निपटा रहे हैं। इधर इन तमाम अटकलों के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी और संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन के चुनाव कैंपेन को संभाल रही जेन ओ मैली डिलॉन अब भी कह रही हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। Why? Because Donald Trump is not going to offer anything new to the American people. He's the same person he was in 2020. He's the same person he was at the debate stage. He's the same person he is that is about himself and not about the American people. And Joe Biden is more committed than ever to beat Donald Trump. And we believe on this campaign we are built for the close election that we are in, and we see the path forward. The president is the leader of our campaign and of the country, and he is clearly, in our impression and what we've built and in our engagement with voters, he is the best person to take on Donald Trump and prosecute that case and present his vision versus what we saw last night. Joe Biden ne फिलहाल सभी अटकलों को एक तरह से खारिज करते हुए एक ताजा बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, द स्टेक्स आर हाई एंड द चॉइस इज क्लियर, टुगेदर वी विल विन। यानी कि दाव ऊंचे हैं और विकल्प स्पष्ट है, अब साथ मिलकर जीतेंगे। The idea that I'm the old guy, I am, I'm old, but I'm only 3 years older than Trump. Number one. And number two, my mental acuity has been pretty damn good. I've gotten more done than any president has in a long, long time, in 3.5 years. So I'm willing to be judged on that. I understand. लेकिन सवाल अब भी यही चर्चा में है कि अगर जो बाइडेन वास्तव में राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट जाते हैं तो फिर आखिर क्या होगा? अगर ऐसा होता है कि बाइडेन अपना नाम वापस ले लेते हैं तो इससे उनकी पार्टी के कई नए उम्मीदवार आगे आएंगे और उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेट्स के बीच आपस में ही मुकाबला पहले होगा, जिसमें वो अपनों से ही संभावित उम्मीदवार को तलाशने की कोशिश में जुटेंगे। प्रक्रिया की माने तो प्रक्रिया के अनुसार पार्टी के उम्मीदवारों का चयन डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी DNC में होगा, जो 19 से लेकर 22 अगस्त के बीच शिकागो में आयोजित होगी। अगर इस आयोजन से पहले ही जो बाइडेन दौड़ से हट जाते हैं तो करीब 4,000 प्रतिनिधि नए उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अगर जो बाइडेन हट जाते हैं तो संभावित उम्मीदवारों में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम और मिशिगन की गवर्नर ग्रेथेन विटमर को भी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। तो सभी की नजरें जो बाइडेन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल की इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।